टी20 विश्व कप में आज भारत और अमेरिका का मुकाबला न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत और अमेरिका के बीच पहली बार हो रहा है मैच। भारत और अमेरिका 4-4 अंक के साथ टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान और कनाडा के 2 मैचों में 2-2 अंक हैं। भारत और अमेरिका दोनों की टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी मैदान में। जीतने वाली टीम का सुपर 8 में स्थान होगा पक्का। टी20 वर्ल्ड कप में बारिश में धुला श्रीलंका बनाम नेपाल का मैच बगैर टॉस के ही रद्द करना पड़ा। मैच दोनों टीमों को दिया गया 1-1 पॉइंट। श्रीलंका नेपाल का मैच रद्द होने से दक्षिण अफ्रीका को हुआ फायदा। सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया ने जीत की हैट्रिक के साथ सुपर 8 में की धांसू एंट्री। नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया की पूरी टीम 72 रन पर ऑल आउट। टी20 विश्व कप में लगातार हार के बाद पाकिस्तान की टीम को मिली जीत। कनाडा को 7 विकेट से हराया। सुपर 8 की जगह उम्मीदें। कनाडा ने पहले खेलते हुए 107 रनों का रखा था लक्ष्य। पाकिस्तान की टीम ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली। कप्तान बाबर आजम ने 33 रन बनाए। सैम अयूब ने 6 रन बनाकर लौटे पवेलियन। कनाडा की तरफ से हेलिंगर ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। जेरेमी गॉटन ने को 1 विकेट हलाया। कनाडा की तरफ से जॉनसन ने 52 रनों की पारी खेली। कलीम सना ने 13 और साद बिन जफर ने 10 रन बनाए। पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने कनाडा का मिडिल ऑर्डर हुआ धराशाही। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ को 2-2 विकेट मिला। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 1-1 विकेट लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर बने प्लेयर ऑफ द मैच। आमिर ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की पाकिस्तानी खिलाड़ी कामरान अकमल को फटकार अर्शदीप सिंह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कामरान ने मांगी माफी। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने न्यूयॉर्क की पिच पर खड़े किए सवाल। कहा, इस पिच पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल। हेनरी क्लासेन ने कहा, यह एक बड़ा टूर्नामेंट है। बल्लेबाज इस तरह की पिच पर नहीं खेलना पसंद करेंगे जबकि गेंदबाज ऐसी पिचों पर हर हाल में खेलना चाहेंगे। टी20 विश्व कप से पहले टीम हुई बाहर। ओमान का विश्व कप में थम गया सफर। लगातार 3 मैच हारकर ओमान का सुपर 8 में पहुंचने का टूट गया सपना। भारत की टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में हेलबोर्न नेक कप ATP का जीता खिताब स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को दी थी शिकस्त। सुमित नागल को ATP रैंकिंग के जरिए मिला पेरिस ओलंपिक का टिकट। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को भी मिला ओलंपिक का टिकट। मोहन बागान सुअर जॉइंट्स ने नियुक्त किया हेड कोच स्पेन के जॉश मोलिना को बनाया कोच। एंटोनियो लोपेस हबास की लेंगे जगह।